अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर मियां ज़हीर बैंकॉक से। मेरे पीछे जो आप ये प्लाजा देख रहे हैं, ये है एमबीके सेंटर। ये थाईलैंड क्या बल्कि वर्ल्ड में बड़ा फेमस मॉल है, ये बहुत बिग मॉल है। ये इसको मैं विज़िट करने आया हूँ और मैं आपको एक वॉकिंग टूर यहाँ का करवाता हूँ कि इसका वॉकिंग टूर करते हैं एमबीके सेंटर। इसमें सुना है कि जी चीज़ें हैं जो सस्ती थोड़ी सी मिलती हैं बाकी से। चलो जाके देखते हैं, इसका फूड कोर्ट भी काफ़ी मशहूर है। अब जाके देखेंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। शाम होने वाली है और बैंकॉक की जो रौनकें हैं वो दुबाला। थाईलैंड में जितनी रौनक होती रात को है। चलें जी चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये सिटिंग एरिया बना हुआ है, इसकी एंट्रेंस अब कहाँ से होगी। टिम हॉटन मुझे नज़र आया है, जो जो मुझे समझ लगेगी मैं बोलता जाऊँगा। ये एंट्रेंस है इसकी एमबीके सेंटर। चलें जी एंटर होते हैं यहाँ से। ये फूड कोर्ट सबसे पहले हमें मिला है, फूड कोर्ट। ये इसके आई थिंक मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ जो जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ। ये फूड कोर्ट सबसे पहले आया फूड कोर्ट। और ये सारे थाई ही रेस्टोरेंट सबसे नज़र आए हैं मुझे। ऐसी लिखावट जो है वो थाई है, चाइनीज़ आई डोंट नो, आप लोग खुद समझ लीजिएगा खुद ही। जैसे ये वॉकिंग टूर है एमबीके प्लाजा का। अगेन थाई है, चाइनीज़ लग गया मुझे। ये जो थाई लैंग्वेज है ना, उन्होंने गोल करके लिखी होती है और चाइनीज़ कॉर्नर बने होते हैं उनके लिखने में, ना मुझे ऐसा फील होता है। जैसे ये है, ये देखा ना, ये नीचे लिखा हुआ है हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर, ये देखा ना कॉर्नर बने हुए हैं। इसी तरह मैं आपको जब थाई दिखाऊँगा ना, उसके कॉर्नर नहीं बने होंगे वो। अच्छा जी, मेड कैफे एंड लाइव रेस्टोरेंट। मेड कैफ़े एंड लाइव, अच्छा जी ये अंदर ये डॉल्स हैं मेड कैफ़े लाइव रेस्टोरेंट की, और वो कस्टमर को एंटरटेन कर रही हैं। अच्छा मैं पानी की बोतल लानी थी, मैं पानी की बोतल साथ अपने लाना भूल गया, मुझे लग गई है प्यास, अब कुछ ना कुछ पीना पड़ेगा। सीक्रेट चैम्बर, यह है जी सीक्रेट चैम्बर। यहाँ तो जाना ही खतरा है, इसे ये ऑलरेडी सीक्रेट है। सीक्रेट में तो और मुश्किल है जाना। चाइनीज रूफ। अच्छा ब्यूटी बूफे लगा हुआ जी, यहाँ ब्यूटी का बूफे लगा हुआ। अगेन जापानीज आ गया ये टोक्यो।
इनकी डिशेज देखें जो इनके पास आज चीज़ें अवेलेबल हैं, इन्होंने रेडी करके ये इसको सजाया हुआ है। 199 की है ये, 199 सेम एज नीचे भी आप देख लें जो उनका मेन्यू है आज का वो रेडी है। मुझे इन मॉल्स में से जो ढूंढना है वो ढूंढनी है मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट्स। मेरे बेटे ने मुझे कहा है बाबा मेरे लिए लेके आनी है मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट्स लाजमी। अब कोई ऐसा स्टोर मुझे वो देखे, मुझे एक जोकर्स नज़र आए हैं वो देख लूँ, मैंने वो अपने लिए लेने हैं लेकिन महंगे नहीं लेने, सस्ते लेने हैं। ये देखे नाइक चेक करें, ये वाला इतना बड़ा नाइकी, ओए होए होए होए, ये टीन एज वालों के, हम नौजवानों के लिए इस तरह के नहीं चलेंगे। वाओ, हमारे ना लाहौर में लंडे में लगे होते हैं ऐसे शूज, लंडे में चले जाओ ना ये वहाँ लगे होते हैं। चलिए जी वापस अपनी लाइन में चलूँ, पहले वो लाइन कंप्लीट कर लूँ फिर आगे चलते हैं। मैं था इस लाइन में, लाइव आपको कलर अगर आपने सर को लगाना है चेंज करना है तो आपको वो लाइव उसे हम करके भी दे रहे हैं। बैठे हुए लोग मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्सिंग भी उसी टाइम बैठो उसी टाइम आपको करके देंगे। ये देखिए गोल्ड की शॉप आ गई, गोल्ड की जी। ये स्टॉल्स आ गए छोटे छोटे, यहाँ 30 बाद लिखा हुआ है आइटम में सारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनके बाद 30 बाद लिखा हुआ है इन लोगों ने। ये कितना लंबा है एक ही लाइन में, तो भी अंदर एंटर ही हो एक ही लाइन पे चली जा रहा हूँ, भूलिए तब नहीं हो रही। ये क्यों बैठ के सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं, चेक करें कोई एक भी, सारे मोबाइल में लाइन में है, मोबाइल पे ही लगे हुए हैं सारे, सारे मोबाइल में लगे हुए हैं। ये वेटिंग में है या क्या है, सारे क्यों लगे हुए हैं मोबाइल पे। और ये स्टूल रखे हुए हैं, स्टूल क्यों रखे हुए हैं, लगता है सीट फॉर कस्टमर निकेला मकोला ओनली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अभी वो लगा, अच्छा 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 अच्छा, ये आपकी भाई वेटिंग लिस्ट है, ये इस रेस्टोरेंट की वेटिंग लिस्ट है, आप वेटिंग में बैठो यहाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। कुछ लोग बैठे थे वो वेटिंग में बैठे थे सारे, मैं कह रहा हूँ कि क्यों लाइन में बैठे हुए हैं। ये जी हलाल लिखा है, तुर्किश रेस्टोरेंट है ये, पाँच।